भक्त ध्रुव की कथा। विष्णु पुराण में भक्त ध्रुव की कथा आती है, जिसने इस बात को सिद्ध किया कि कैसे एक छोटा बालक भी दृढ़ निश्चय और कठोर तपस्या के बल पर भगवान को धरती पर आने को विवश कर सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं ध्रुव की कहानी, जो बच्चों के लिए विशेष प्रेरणादायक है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद मनु के बाद सिंहासन पर विराजमान हुए। उत्तानपाद अपने पिता मनु के समान ही न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। उत्तानपाद की दो रानियां थी, बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। सुनीति को एक पुत्र ध्रुव और सुरुचि को भी एक पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। ध्रुव बड़ा होने के कारण राजगद्दी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी था, पर सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को पिता के बाद राजा बनते देखना चाहती थी। इस कारण वो ध्रुव और उसकी माँ सुनीति से ईर्ष्या करने लगी और धीरे धीरे उत्तानपाद को अपने मोहमाया के जाल में बांधने लगी। इस प्रकार सुरुचि ने ध्रुव और सुनीति को उत्तानपाद से दूर कर दिया। उत्तानपाद भी सुरुचि के रूप पर मोहित होकर अपने पारिवारिक कर्तव्यों से विमुख हो गए और सुनीति की उपेक्षा करने लगे। सुरुचि द्वारा भक्त ध्रुव का अपमान। एक दिन बालक ध्रुव पिता से मिलने की जिद करने लगा। माता ने तिरस्कार के भय से और बालक के कोमल मन को ठेस न लगे इसलिए ध्रुव को बहलाने लगी, पर ध्रुव अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में माता ने हार कर उसे पिता के पास जाने की आज्ञा दे दी। जब ध्रुव पिता के पास पहुंचा तो देखा कि उसके पिता राजसिंहासन पर बैठे हैं और वही पास में उसकी विमाता सुरुचि भी बैठी है। अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठा देखकर ध्रुव की इच्छा भी पिता की गोद में बैठने की हुई, पर उत्तानपाद ने अपनी प्रिय पत्नी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने को लालायित प्रेमवश आए हुए अपने पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को पिता की गोद में चढ़ने को उत्सुक देखकर सुरुचि को क्रोध आ गया और कहा, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से जन्म लिए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर तू क्यों इतनी बड़ी इच्छा करता है? तू अज्ञानी है इसीलिए ऐसी अलभ्य वस्तु की इच्छा करता है। चक्रवर्ती राजाओं के बैठने के लिए बना ये राजसिंहासन तो सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम के ही योग्य है, तू इस व्यर्थ की इच्छा को अपने मन से निकाल दे। उद्धरण चिन्ह। सुनीति द्वारा भक्त ध्रुव को उपदेश। अपनी विमाता का ऐसा कथन सुनकर ध्रुव कुपित होकर पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। उस समय क्रोध से ध्रुव के होंठ कांप रहे थे और वो जोरों से सिसकियां ले रहा था। अपने पुत्र को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित और खिन्न देखकर सुनीति ने ध्रुव को प्रेम पूर्वक अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? किसने तेरा निरादर करके तेरे पिता का अपमान करने का साहस किया है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ध्रुव ने अपनी माता को रोते हुए वह सब बात बताई जो उसकी विमाता ने पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र से सारी बात सुनकर सुनीति अत्यंत दुखी होकर बोली, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है, तू अवश्य ही मंदभाग्य है जो मेरे गर्भ से जन्म लिया। पुण्यवानों से उसके विपक्षी भी ऐसी बात नहीं कह सकते। पूर्व जन्मों में तूने जो कुछ भी किया है उसे कौन दूर कर सकता है और जो नहीं किया है उसे तुझे कौन दिला सकता है? इसलिए तुझे अपनी विमाता की बातों को भूल जाना चाहिए। हे वत्स, पुण्यवानों को ही राजपद, घोड़े, हाथी आदि प्राप्त होते हैं, ऐसा जानकर तू शांत हो जा। यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दैख हुआ है तो सर्वफलदाय पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जिस प्रकार नीची भूमि की ओर धलकता हुआ जल अपने आप ही जलाशयों में एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार सत्पात्र मनुष्य के पास समस्त संपत्तियां अपने आप ही आ जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। माता की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, माँ, अब मैं वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों में आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। अब मुझे पिता का सिंहासन नहीं चाहिए, वह मेरे भाई उत्तम को ही मिले। मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूं, मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस परम पद को पाना चाहता हूं जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव का वन गमन। अपनी माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव सुनीति के महल से निकल पड़ा और नगर से बाहर वन में पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए सात मुनीश्वरों, सप्तर्षियों को मृगचर्म के आसन पर बैठे देखा। ध्रुव ने उन सबको प्रणाम करके उनका उचित अभिवादन किया और नम्रता पूर्वक कहा, हे महात्माओं, मैं सुनीति और राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ। मैं आत्मग्लानी के कारण आपके पास आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू सिर्फ 4-5 वर्ष का बालक जान पड़ता है। तेरे चिंता का कोई कारण भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अभी तो तेरे पिता जीवित हैं, फिर तेरी ग्लानी का क्या कारण है? उद्धरण चिन्ह। तब ध्रुव ने ऋषियों को वह सब बात बताई जो सुरुचि ने उसे कहे थे। ये सुनकर ऋषिगण आपस में कहने लगे, अहो, क्षात्र तेज कैसा प्रबल है जिससे इस नन्हे बालक के हृदय से भी अपनी विमाता के दुर्वचन नहीं टलते।
उद्धरण चिन्ह। ऋषि बोले, हे क्षत्रिय कुमार, तूने जरूर कुछ निश्चय किया है, अगर तेरा मन करे तो वह हमें बता। हे तेजस्वी, हमें ये भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव ने कहा, हे मुनिगण, मुझे न तो धन की इच्छा है और न ही राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले किसी ने न भोगा हो। हे मुनिश्रेष्ठ, आप लोग बस मुझे ये बता दें कि क्या करने से मुझे वह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव के इस प्रकार से पूछने पर सभी ऋषिगण एक एक करके ध्रुव को उपदेश देने लगे। सप्तर्षियों द्वारा ध्रुव को उपदेश। मरीचि बोले, थे राजपुत्र, बिना नारायण की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अतः तू उनकी ही आराधना कर। उद्धरण चिन्ह। अत्रि बोले, जो परा प्रकृति से भी परे हैं वे परम पुरुष नारायण जिससे संतुष्ट होते हैं उसी को वह अक्षय पद प्राप्त होता है, यह मैं एकदम सच कहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अंगिरा बोले, यदि तू अग्रस्थान का इच्छुक है तो जिस सर्वव्यापक नारायण से यह सारा जगत व्याप्त है तू उसी नारायण की आराधना कर। उद्धरण चिन्ह। पुलस्त्य बोले, जो परब्रह्म परमधाम और परस्वरूप है उन नारायण की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। उद्धरण चिन्ह। पुलह बोले, हे सुव्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने इंद्रपद प्राप्त किया है तू उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। उद्धरण चिन्ह। क्रतु बोले, जो परम पुरुष यज्ञ पुरुष यज्ञ और योगेश्वर हैं उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह जाती है। उद्धरण चिन्ह। वशिष्ठ बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा, फिर त्रिलोकी के श्रेष्ठ स्थान की तो बात ही क्या है। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, आप लोगों ने मुझे आराध्य देव तो बता दिया, अब कृपा करके मुझे ये भी बता दीजिए कि मैं किस प्रकार उनकी आराधना करूं। उद्धरण चिन्ह। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, तू समस्त बाह्य विषयों से चित्त को हटा कर उसे एकमात्र नारायण में अपने मन को लगा दे और एकाग्रचित होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए उनको प्रसन्न कर। ध्रुव की तपस्या। ये सब सुनकर ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम करके वहां से चल दिया और यमुना के तट पर अति पवित्र मधु नामक वन मधुवन में पहुंचा। जिस मधुवन में नित्य श्रीहरि का सानिध्य रहता है उसी सर्वपापहारी तीर्थ में ध्रुव कठोर तपस्या करने लगा। इस प्रकार दीर्घ काल तक कठिन तपस्या करने से ध्रुव के तपोबल से नदी समुद्र और पर्वतों सहित समस्त भूमंडल अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उनके क्षुब्ध होने से देवताओं में खलबली मच गई। तब देवताओं ने अत्यंत व्याकुल होकर इंद्र के साथ परामर्श करके ध्रुव का ध्यान भंग करने का आयोजन किया। देवताओं ने माया से कभी हिंसक जंगली पशुओं के द्वारा तो कभी राक्षसों के द्वारा ध्रुव के मन में भय उत्पन्न करने की कोशिश की, परंतु विफल रहने पर ध्रुव की माता के रूप में भी उसका ध्यान भंग करने का प्रयत्न किया, पर ध्रुव एकाग्रचित होकर सिर्फ भगवान विष्णु के ध्यान में ही लगा रहा और किसी की ओर देखा तक नहीं। जब सब प्रकार के प्रयत्न विफल हो गए तब देवताओं को बड़ा भय हुआ और सब मिलकर श्रीहरि की शरण में गए। देवता बोले, हे जनार्दन, हम उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हम नहीं जानते कि वह इंद्रपद चाहता है या उसे सूर्य वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। आप हम पर प्रसन्न होइए और उसे तप से निवृत्त कीजिए। उद्धरण चिन्ह। श्री भगवान बोले, हे देवगण, उसे इंद्र सूर्य वरुण कुबेर आदि किसी पद की अभिलाषा नहीं है। आप सब लोग निश्चिंत होकर अपने स्थान को जाएं। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक की इच्छा को पूर्ण करके उसे तपस्या से निवृत्त करूंगा। उद्धरण चिन्ह। श्रीहरि के ऐसा कहने पर देवतागण उन्हें प्रणाम करके अपने स्थान को चले गए। भगवान विष्णु द्वारा ध्रुव को वर प्रदान। भगवान विष्णु अपने भक्त ध्रुव की कठिन तपस्या से संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हो गए। श्री भगवान बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ, अब तू अपनी इच्छानुसार वर मांग। उद्धरण चिन्ह। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान को शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए साक्षात अपने सामने खड़े देखा। तब उसने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर भगवान की स्तुति करने की इच्छा की, पर इनकी किस प्रकार स्तुति करूं ये सोचकर ध्रुव का मन व्याकुल हो गया। ध्रुव ने कहा, भगवान, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं पर अपने अज्ञानवश कुछ कह नहीं पा रहा, अतः आप मुझे इसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। उद्धरण चिन्ह। तब भगवान विष्णु ने अपने शंख से ध्रुव का स्पर्श किया। इसके बाद क्षण मात्र में ध्रुव भगवान की उत्तम प्रकार से स्तुति करने लगा।
जब ध्रुव की स्तुति समाप्त हुई तब भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन हुआ है, इससे निश्चित ही तेरी तपस्या सफल हो गई है, पर मेरा दर्शन तो कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुझे जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव बोला, हे भगवान, आपसे इस संसार में क्या छिपा हुआ है? मैं मेरी सौतेली माता के गर्वीले वचनों से आहत होकर आपकी तपस्या में प्रवृत्त हुआ हूँ, जिन्होंने कहा था कि मैं अपने पिता के राज सिंहासन के योग्य नहीं हूँ। अतः हे संसार को रचने वाले परमेश्वर, मैं आपकी कृपा से वह स्थान चाहता हूँ जो आज तक इस संसार में किसी को भी प्राप्त न हुआ हो। उद्धरण चिन्ह। श्री भगवान बोले, वत्स, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। पूर्वजन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझमें निरंतर एकाग्रचित रहने वाला, माता पिता का सेवक तथा स्वधर्म का पालन करने वाला था। बाद में एक राजपुत्र से तेरी मित्रता हो गई। उसके वैभव को देखकर तेरी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ, अतः ही ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित इच्छा प्राप्त हुई। जिस स्वयंभुव मनु के कुल में किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिया। जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी कृपा से तू निश्चय ही उस स्थान को प्राप्त करेगा जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है और समस्त ग्रहों और तारामंडल का आश्रय है। मेरे प्रिय भक्त ध्रुव, मैं तुझे वह निश्चल ध्रुव स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों और सप्तर्षियों से भी ऊपर है। तेरी माता सुनीति भी वहां तेरे साथ निवास करेगी और जो लोग प्रातःकाल और संध्याकाल तेरा गुणगान करेंगे उन्हें महान पुण्य प्राप्त होगा। उद्धरण चिन्ह। धन्य है ध्रुव की माता सुनीति जिसने अपने हितकर वचनों से ध्रुव के साथ साथ स्वयं भी उस सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव के नाम से ही उस दिव्य लोक को संसार में ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। ध्रुव का मतलब होता है स्थिर, दृढ़, अपने स्थान से विचलित न होने वाला, जिसे भक्त ध्रुव ने सत्य साबित कर दिया। भक्त ध्रुव की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिसके मन में दृढ़ निश्चय और हृदय में आत्मविश्वास हो वह कठोर पुरुषार्थ के द्वारा इस संसार में असंभव को भी संभव कर सकता है।